आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं ले आया हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक, एक ईवी बाइक। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और जानते हैं इस बाइक के बारे में इनके ओनर से। आइए। हेलो हेलो भैया, बताइए कुछ बाइक के बारे में। बाइक के बारे में, ये सबसे पहले तो ओडीसी कंपनी है जिससे मैंने बाइक परचेज किया हुआ था। ये तकरीबन मैं पिछले एक साल से चला रहा हूँ, अभी तक कुछ भी इशू नहीं है। इसका नाम रेगुलर इवोकिस है। इवोकिस? हाँ। अच्छा, ये ओडीसी कंपनी है और ये इवोकिस नाम है इसका, गाड़ी का नाम। ओके ओके, बढ़िया, स्पोर्ट्स मॉडल है। हाँ। तो एक साल हो गया आपको? जी हाँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं, नहीं अभी तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको क्या रेंज क्या मिल जाती है? एक बार इसको फुल चार्ज करते हैं आप, तो उसके बाद इसकी क्या रेंज मिल जाती है, कितना किलोमीटर चलाते हैं आप? रेंज जब मैंने परचेस किया था तब कंपनी के ऑफिशियल जो एग्जीक्यूटिव था उसने 140 किलोमीटर बोला था मेरे को, लेकिन ये तकरीबन 110-120 किलोमीटर तक चल जाता है मेरे हिसाब से। ओके। जब मैं ड्राइव करता हूँ तब। ओके। सिंगल चार्ज पे। ओके सर, तो ये बताइए इसका कॉस्टिंग क्या पड़ता है अपन को? ये 171-250 एक शोरूम प्राइस था। अच्छा, जब 1,71,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, 1,71,000 के आसपास इसका शोरूम प्राइस है। और ये मुझे एक साल पहले ऑन रोड हुआ था 2,05,000 में। ओके, 2,05,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। और फिर इसमें चार्जिंग कितने टाइम में चार्ज कर देते हैं ये फुल चार्ज भाई? ये फुल चार्ज आपको 6 घंटा चार्जिंग टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, और क्या चार्ज का क्या कीमत पड़ जाएगा? एक बार चार्ज करेंगे तो क्या कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा हमारा? इलेक्ट्रिक बिल अगर आप 6 घंटा 0-100 ले रहे हो, जी मतलब फुल चार्ज चार्ज ले रहे हैं अगर हम, तो ये आपको 4-5 यूनिट्स तक कंज्यूम करेगा आपका। अच्छा, मतलब 4-5 यूनिट्स 6 या 7 रुपए का पकड़ के चले तो हमारा 25-30 रुपए के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगी। 25-30 रुपए में चार्ज हो जा रही है। और दोस्तों, ये 100 किलोमीटर भी मान ले, 110 किलोमीटर भी मान ले, तो एक काफी इको फ्रेंडली बाइक है ये। इसके बाद अभी तक आपने सर्विसिंग में इसमें कितना रुपए डाला? एक साल हो गया? नहीं, ये मुझे कंपनी 3 फ्री सर्विस देती है। अच्छा, एक साल के अंदर आप जितने भी सर्विस करो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। अगर उसमें कंडीशन रहता है कि अगर आप कुछ भी चीज है जो कि टूट गई है, एडिशनल कॉस्ट है, वो सर्विसिंग के अंदर नहीं आता, उसको बदलना पड़ता है। ओके। तो उसको आपका कॉस्ट देना रहता है, उसका चार्जेस पे करना है, वरना जीरो जीरो, मतलब सर्विसिंग चार्ज जीरो है अभी तक एक साल के अंदर अंदर तक। अच्छा, इसका टॉप स्पीड कितना रहता है? इसका टॉप स्पीड आता है 80 किलोमीटर पर आवर का। ओके, टॉप स्पीड 80 किलोमीटर फिक्स है वो? हाँ, वो फिक्स रहता है। भैया, अगर बाय चांस मैं जा रहा हूँ हाईवे पे और चार्ज खत्म हो गया है बाइक का, फिर क्या कर सकते हैं? तो आपको अभी तक कंपनी ने वहाँ पे ऑनलाइन चार्जिंग तक तो नहीं पहुँचा है। ओके। इसने एक नॉर्मल चार्ज, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा कि कंपनी ने जो इसका चार्जिंग दिया है वो 5 एम्पियर का नॉर्मल प्लग में, जैसे आप अगर फोन ले रहे हो कोई। अच्छा, भी जैसे हमारे प्लग्स रहते हैं घर वाले। हाँ, घर वाले जो प्लग्स रहते हैं जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, जैसे हमारा फोन का चार्जर जिसमें कनेक्ट हो जाता है। हाँ, वैसे ही वाला प्लग में आपका ये चार्जर कनेक्ट हो जाएगा। ओके। और सिर्फ आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑन द स्पॉट एक फंक्शन दिया हुआ है चार्जिंग केबल का, यहाँ पे वो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ओके, मतलब चार्जिंग इजी है। चार्जिंग अगर हम हाईवे में रुक गए, हम घंटा भर रुक जाएंगे, चाय कॉफी नाश्ता कर लिया, घंटे भर में कितना चार्ज मिल जाएगा? ये आपको 30-35 किलोमीटर तक चल जाएगा। ओके ओके, एक घंटा अगर आप चार्ज कर ले हो पूरा तो। सही है, फिर इजली हम अपने लोकेशन पे पहुंच सकते हैं जहां का हम लोग ने प्लान कर रखा है। ओके, तो ये बैटरी का कितना है, कितने एम्पियर का बैटरी है, कितने किलोवाट का बैटरी है? 72 वाट का बैटरी रहता है और 60 एम्पियर का बैटरी आता है। ओके। जैसे अगर आप मान लो ईवी में ज़्यादातर बैटरी जो है वो ज़्यादातर बाइक में यहाँ पे दिया होता है या फिर नीचे होता है। ओके, यहाँ इसका तो नीचे दिख रहा है मुझे, दिया हुआ है जो आप इजीली अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से पूरा बैटरी देख सकते हैं। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। थैंक यू।
एक बार बाइक्स के लुक देख लीजिए आके क्लोजली, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक दिख रही है। टैंक भी दिया हुआ है, हालांकि टैंक बिल्कुल डमी टैंक है क्योंकि इसके अंदर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये एक पेट्रोल व्हीकल नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद एक इसमें अच्छा फंक्शन स्पीकर दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। जैसे ही मैंने बाइक चालू करी, फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ, ये साउंड को मिमिक कर रहा है, जो हमारी पेट्रोल व्हीकल्स का साउंड आता है उसको मिमिक करने के लिए स्पीकर दे दिए गए हैं पीछे की साइड पे, ताकि ऐसा लगे कि हम एक फील आ सके, जो चलाने में एक फील आता है पेट्रोल बाइक को चलाने में जो फील आता है, वैसा एक फील मिमिक करने के लिए दे दिया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गए स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया इस बाइक के बारे में। अभी इसका एक ऑन रोड राइड लेते हैं ताकि ये पता चल सके हमें ये बाइक कितनी प्रैक्टिकल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक खराब रोड पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये इसका ऑफ रोडिंग का टेस्ट हो जाए अच्छे से, और हमारे शॉक ऑब्जर्वर कैसे हैं इसका पता चल पाए। तो ठीक है, मैं इस पे ड्राइव करता हूँ और थोड़ी देर बाद बताता हूँ शॉक ऑब्जर्वर कैसे हैं इसके। तो दोस्तों शॉक ऑब्जर्वर तो रियली पुअर क्वालिटी के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी ये बाइक का इनिशियल फेज है, अभी बहुत ज़्यादा एडवांस होना बाकी है बाइक को। ऑफ रोडिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि शॉक ऑब्जर्वर जैसे कि मैंने बताया आपको रियली पुअर क्वालिटी के हैं, क्योंकि इसमें इस कंपनी को बहुत रिफाइन होने की ज़रूरत है। अभी इनिशियल फेज में है ये ओडेसिस कंपनी, इसलिए उतना ज़्यादा अच्छे नहीं है इसके शॉक ऑब्जर्वर। अब ये सिटी टाइप का रोड आ गया है तो चलिए इसमें इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। इसका जैसे टॉप स्पीड 80 बोला है तो देखते हैं कितना जाता है। एक्चुअली मैं कहूंगा एक अच्छी कोशिश की गई है ओडिस कंपनी की तरफ से, पर जैसा मैं देख पा रहा हूं बाइक के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। लुक्स प्राइमरी नहीं होते, परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना चाहिए कंपनी को। जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, प्लस बहुत लैग है इसके एक्सेलेटर में। जैसे अभी मैंने एक्सेलेटर होल्ड करके रखा है, अब मैं देखिए कितनी देर बाद इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलेटर में बहुत ज़्यादा लैग है इसमें। ये देखिए ये कब मैं इसको दे दे रहा हूँ और कब स्पीड हो रही है, बहुत देर बाद हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। और अभी तक की जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंने यूज़ किए हैं सबसे ज़्यादा लैग मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों ये लोकली कस्टमाइज करी गई है, और अभी के लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा इसे परचेज करने के लिए। जो प्राइस रखा है इस बाइक का बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है परफॉर्मेंस को देखते हुए। दूसरा जो हमारी इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अगेन इनिशियल फेस है तो अभी लोग इतना ही कर पा रहे हैं, पर बिल्ड क्वालिटी पुअर दी है, सब कुछ ऑलमोस्ट पुअर है। फिर भी इसका जो प्राइस रखा गया है, इसका प्राइस जो रखा गया है 1,71,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड पड़ जाएगा इसका 2,05,000 रुपये। तो दोस्तों इसलिए इसकी ये जो सेल है इस बाइक की, इस कंपनी की जो सेल है, इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, फीचर्स कम है, और परफॉर्मेंस के मामले में परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है बाइक से, इसलिए इसकी सेल बहुत मिनिमम है। जामनगर गुजरात जैसी सिटी में इसकी अभी तक सिर्फ 2 बाइक बिकी हैं अभी तक, वो भी आउटस्कर्ट में गई हैं, जैसे जामनगर सिटीज के लिए नहीं है, आउटस्कर्ट जो जामनगर के आसपास के जो गाँव है वहाँ पर गई है। हालाँकि ब्रेकिंग इसकी थोड़ी अच्छी है क्योंकि डबल डिस्क दिए हुए हैं फ्रंट में, रेयर में भी डिस्क है, तो ब्रेकिंग अच्छी है। देखिए मैं सडन ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ आपको कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकिंग आपने देखा कि हाँ ब्रेकिंग अच्छी है, स्टिल स्किड देखने को मिला रियर टायर में, मतलब एबीएस नहीं है इस बाइक में इसलिए स्किड देखने को मिला, नहीं तो अगर एबीएस होते तो हमारी बाइक वही की वही रुक जाती, तो एबीएस नहीं है इसमें, ये भी एक ड्रॉबैक है इस इलेक्ट्रिक बाइक का। हाँ तो यार दोस्तों अगर इतना लैग देखने को मिलेगा ना तो ये बाइक को मैं कहूँगा कि बड़ी एक्सीडेंट प्रोन बाइक हो जाएगी ये, क्योंकि कभी भी आपको उस वक्त क्रॉसिंग करनी है, ट्रक के सामने हो, आपको उस वक्त इमीडिएट एक्सेलरेशन की ज़रूरत है पर वो आपको नहीं मिल पाया, लैग हो गई, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यार ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। बाकी ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हिल रहा है यार। After testing this EV bike on road, मैं ये conclusion पे पहुंचा हूँ कि this EV bike is not built up to standards, चाहे वो shock absorber हो, brake calipers हो, या overall body हो bike की।
एक प्रीमियम फील मिसिंग है हर जगह से, अगर मैं कंपेयर करूं ओला हीरो और बजाज जैसी कंपनी से, तो देयर इज लॉट ऑफ एरर्स इन दिस बाइक एंड नीडेड टू बी फिक्स्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।